सत्ता के नशे में चूर छह पार्षदों ने अंसल वैली सचिव के घर पर तोड़फोड़ कर उनके परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से ही सचिव लगातार प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ये मामला देहरादून का है, जहां पीड़ित प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के करीबी माने जाने वाले छह पार्षदों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर मेरे घर पर तोड़फोड़ की व परिवार के साथ मारपीट की। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण 2 महीने से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं दरबदर इंसाफ के लिए भटक रहा हूँ, मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। पीड़ित प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि मैं SSP से मांग करता हूँ कि वो राजनीतिक दबाव में ना आकर सच का साथ दें, मुझे और मेरे परिवार को इंसाफ दिलाएं। मैं अंसल ग्रीन वैली सोसाइटी का सचिव हूँ। हमारी सोसाइटी के एक स्मृति वन पार्क और जूडी लैंड पे इन पार्षदों ने कब्जा कर लिया था। गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री हैं और गणेश जोशी का और पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश का इनको संरक्षण प्राप्त है। इस कारण ये शहर में खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप देखिए 70-80 लोगों को लेकर मेरे घर पर आए, मेरे घर पर हमला करा इन्होंने, मेरी पत्नी के साथ मारपीट करी। ये कब की घटना है? मारपीट करी ये 22 फरवरी की घटना है सर, 22 फरवरी 2023 की घटना है। आज तक पुलिस ने किसी भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं करा। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सर SSP पे जो है वो न्यायपूर्वक काम करें, अपनी ड्यूटी निभाए, इन राजनीतिक नेताओं के दबाव से अपना दामन छुड़वाए और इनको तुरंत गिरफ्तार करें। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।